हम टेंस सीख रहे हैं और टेंस को मैंने टोटल 8 पार्ट में आसानी से बताने का कोशिश किया हुआ है, जिसका यह चौथा पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देखिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इन्फिनिटिव का पॉजिटिव बताया हुआ है, नेगेटिव बताया हुआ है, और इस पार्ट में हम देखेंगे इन्फिनिटिव का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। हमें क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, उसका सूत्र क्या है, वो आइए देखते हैं। तो पार्ट टू में जो हमने देखा पॉजिटिव में कि हमने क्या किया था, तो आप इतना ही ध्यान याद रखिए कि आपको सबसे पहले तो पॉजिटिव सबके याद कर लेने हैं, तो आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप अपने आप बना लोगे। इंट्रोगेटिव में होता क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट में और पास्ट में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इसलिए नेगेटिव बनाते समय हम लोगों ने डू डज ले लिया प्रेजेंट में, पास्ट में डिड ले लिया, और यहाँ पे तो पहले ही से है विल सेल, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। यहाँ पे भी जो एम इज आ रहा है, वाज वेयर है, विल सेल है, वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। आइए देखते हैं। आप देख सकते हो हमने डू डज को पहले लिख दिया सब्जेक्ट से, डिड को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, विल सेल को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम है, इसलिए मैंने इसको घेरे में कर दिया है। जो चीज़ें आपको याद रखनी है, जो उसके हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आप नीचे देखोगे कंटिन्यूस में एम इज आर, वाज वेयर, विल सेल, सब्जेक्ट से पहले आ गया, और फिर हैज हैव हैड, विल सेल, ये सारी चीज़ें पहले आ गए। तो इस तरीके से हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, और फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जा रहा है, और एकदम लास्ट में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन। तो आप देखोगे यहाँ पे हैज है पहले आया हुआ है, हैड पहले आया हुआ है, और लास्ट में विल सेल पहले आया हुआ है। तो इसमें भी आपको ये बहुत आसान है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब पहले उठा के रख देना है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो मेन हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि विल सेल, यहाँ पे हैव भी था, तो आपने हैव को सब्जेक्ट से पहले नहीं लाया, सिर्फ विल या सेल को लाया, यानी कि विल सेल को आपने पहले लाया, हैव को नहीं लाया। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जब आप इंट्रोगेटिव बनाओगे, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ विल सेल को ही लाना है, यहाँ पे हैव विन भी है उसको नहीं लाना है। और उसी तरीके से जो फ्यूचर कंटिन्यूस का आप इंट्रोगेटिव जब बनाओगे, तो यहाँ पे विल सेल बी भी था, यानी कि इसका जो पहले वाला सूत्र क्या था, सब्जेक्ट विल सेल बी, तो आप इंट्रोगेटिव बनाते समय सिर्फ विल और सेल को ही पहले लाओगे, बी को नहीं लाओगे, यानी कि आपको सिर्फ मेन हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लाना है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि हमें जो इंट्रोगेटिव सूत्र कैसे बनाते हैं। मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आप पॉजिटिव आप अच्छे से याद कर लो, बाकी आप अपने आप कर लोगे। आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2 बार देखो, आप 3 बार देखो, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसके पहले के सारे वीडियो देखे हैं और इस वीडियो को भी आपने 2-3 बार देखा, तो आपका थैंक यू।